मतभेद, गद्दारी है तो बीपी सिंह से किसने गद्दारी की, ये सवाल होगा। कर्पूरी ठाकुर से किसने गद्दारी की, तो जो लोग कहते हैं कि नल जल के जमाने में कुएं की क्या जरूरत है, उनसे पूछिए कि बिजली के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है। हमारे साथ आनंद मोचिंग है और लवली आनंद जल्दी ज्वाइन कर ले। लवली आनंद का जल्दी ज्वाइन करते ही आरजेडी हमलावर है, लगातार बोल रही कि लवली आनंद को पुनर्जीवन दिया गया है और गद्दार तक की बात कही जा रही थी। जो जैसा होता है वैसा सोचता है, सोच भी वैसी होती है। हमारा इतिहास, हमारे परिवार का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर राजनीति में मतभेद, गद्दारी है तो बीपी सिंह से किसने गद्दारी की, ये सवाल होगा। कर्पूरी ठाकुर से किसने गद्दारी की, ये सवाल होगा। समाजवाद से किसने छल किया, ये सवाल होगा। अच्छा, नलजल की बात की जा रही है, नलजल योजना है, ठाकुर का कुआं भर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? कुआं सिर्फ ठाकुर का नहीं है, ठाकुर सबके लिए कुआं खुदाता था, वो जल स्रोत का प्रतीक है। तो जो लोग आज कहते हैं, उसी तरह दीप प्रकाश का प्रतीक है। तो जो लोग कहते हैं कि नल जल के जमाने में कुएं की क्या जरूरत है, उनसे पूछिए कि बिजली के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है। अगर नल जल के जमाने में कुआं अप्रासंगिक है तो बिजली के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है। अच्छा, लोकसभा चुनाव शुरुआत हो चुकी है, ऐसे तो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो चुका है, लवली आनंद जदयू में जुड़ गई हैं और आनंद मोहन भी अब राजनीति में। तो वो ठाकुर की बात करें और आनंद मोहन की बात करें तो किधर साथ रहेगा? हम जिधर देश की जनता है, जिधर बिहार की जनता का मिजाज है, हम उधर ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और एक बात कि अगले चुनाव में होगा क्या, मैं समझता हूं कि 19 का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा, एकाध जो छूट गया था 40 का 40 बराबर हो जाएगा, उसको कवर करते हुए। ऐसा था, आनंद मोहन को लेकर के काफी सरगर्मी थी उधर की, बात करें महागठबंधन की, लेकिन आनंद मोहन अब रूप बदल गया, आनंद मोहन दूसरी ओर आ गए, तो उसका पूरा असर पड़ेगा आपको लग रहा है? नहीं, हम जो है, हमारा फैसला जो है ना, लवली आनंद ने कल कहा कि लोकतंत्र में आलोचनाएं, मतभेद सब वांछित है, सब जायज है, लेकिन व्यक्तिगत किसने क्या टिप्पणी की, क्या कौन किसने क्या गालियां दी, कभी हम पलट के जवाब नहीं दिए। लेकिन अगर समाज को आहत करेगा कोई, समाज को गाली देगा, तो चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक सवाल है, अंतिम सवाल, जिस तरीके से 19 की पुनरावृत्ति दिख रही है, तो क्या जो 40 का दावा है तो वह कितना दम होता है? मैंने कहा कि जो कोर कसर 19 में बाकी था पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। सर, कोई दिवा स्वप्न नहीं देखे, सारा प्रयास करके देख ले, जनता तैयार है। जो पिछला इतिहास एक पार्टी विशेष का है और उसको देखते हुए जो मैंने भय का माहौल था, संशय का माहौल था ना, वो चेंज हो गया। आनंद मोहन पुराने रोम में आ गए, जिस तरीके से एक समय था कि विरोधी के रूप में आप उभरे थे, तो क्या पुराने रोम में फिर आ गए? क्योंकि हम न तब नए रोम में थे और न आज हम पुराने रोम में। आनंद मोहन है, जैसा पहले थे वैसा बाद में नेचर, लवली नेचर, लवली और सिग्नेचर नहीं बदलता, ये बदलता नहीं है। लवली आनंद का जदयू से जुड़ते ही शिवहर से उनके नाम की चर्चा होने लगी, लोगों में भी चर्चा है, तो क्या कहेंगे शिवहर से उनकी जीत को लेकर? हम कैसे कहें, अभी तो टिकट मिली, जहाँ वो गई हैं वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला करना है, एक आध दिन में सब फैसला हो जाएगा, तब जो निर्णय होगा उस अनुसार देखा जाएगा। आनंद मोहन सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने लवली आनंद के जुड़ने से लेकर के आगामी लोकसभा चुनाव में भी तमाम बातों का जवाब दिया है। 19 में जो कोर कसर रह गई थी, वो कोर कसर खत्म हो जाएगी और जब नल जल की जमाना है तो ऐसे में ललटेन पर भी लेकर तीखा टिप्पणी करते हो, ललटेन का भी अब कोई काम नहीं है। मुजावर से मणिभूषण शर्मा।